मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी कराटे के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी और उसके बाद में हम म्यूजिक से स्टार्ट करेंगे। पहले कराटे के बारे में जानकारी ये कि सभी जानते हैं कि कराटे भारत की ही खोज है और इसको भारत में से ही बाहर के देश में भेजा के या पहुंचा के इसको इसमें और इम्प्रूव करके टेक्निक्स रूल्स रेगुलेशन इसमें डाल के फिर इसको गेम की तरह से इसको गेम में लाया गया है। लेकिन ये सभी जानते हैं कि कराटे जो है वो इंडिया का ही है। और दूसरी बात कि कराटे को हम सेल्फ डिफेंस के लिए जाना जाता है, तो सेल्फ डिफेंस के लिए तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे किक बॉक्सिंग, जूडो, रेसलिंग, कुश्ती, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सेल्फ कराटे भी है वो सेल्फ डिफेंस के लिए। और इसमें पूरे वर्ल्ड में चार फेमस स्टाइल है जिससे बहुत सारे स्टाइल जो है वो जुड़ी हुई है, एफिलेटेड है, लेकिन मेन जो है वो चार स्टाइल है। आप कहीं भी पूरी दुनिया में जाएंगे तो वाडोरू, शोटोकान, शोटोरू और गोजरू, ये चार स्टाइल है इससे जुड़े हुए एफिलेटेड बहुत सारे हजारों की संख्या में स्टाइल जो कि इससे जुड़े हुए हैं। हम कहीं से भी शुरू करेंगे तो ये चार स्टाइल पर आके ही पूरा होगा। और कराटे में बेल्ट एक कोर्स होता है जो बेल्ट वाइज बनाया गया है जिसमें येलो बेल्ट बेसिक जब स्टार्ट करता है स्टूडेंट तो व्हाइट बेल्ट होता है। उसके बाद अलग अलग जो वाडोरू, शोटोकान, शोटोरू, गोजरू, इसमें थोड़ी बहुत बेल्ट के चेंजेस है। वैसे मैं वाडोरू वैसे हूँ तो हमारे में पहले होता है येलो बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लू बेल्ट, पर्पल बेल्ट, ब्राउन बेल्ट, ब्राउन बेल्ट में ब्राउन थर्ड, ब्राउन सेकेंड, ब्राउन फर्स्ट और उसके बाद आता है ब्लैक बेल्ट। ब्लैक बेल्ट के बाद फिर डिग्री जैसे कि ब्लैक बेल्ट फर्स्ट, ब्लैक बेल्ट सेकेंड, ब्लैक बेल्ट थर्ड, इसी तरह से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से होते हैं। अभी कराटे मैंने हम स्टार्ट करने से पहले जब भी हम कराटे क्लास कोई करता है तो 1.5 या 1 घंटे का क्लास होता है, जिसमें से अगर 1.5 घंटे का क्लास होगा तो 20 से 25 मिनट या आधा घंटा तक का सिर्फ वार्म अप एक्सरसाइज होती है। अगर 1 घंटे का क्लास होता है तो उसमें 15 मिनट की एक्सरसाइज होती है जो स्टार्टिंग में हम वार्म अप करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। लेकिन हम एक्सरसाइज का एक पूरा वीडियो अलग से बनाएंगे, लेकिन आज में सिर्फ स्टार्टिंग बेसिक जो होता है वहां से शुरू जो क्लास के अंदर करते हैं वैसे बताता हूँ। सबसे पहले क्लास के अंदर जैसे एंटर होते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हम जल्दी जल्दी क्लास में पहुंचते हैं, कोई लेट पहुंचा, कोई किस तरह से पहुंचा, कोई क्या सोच रहा है, तो सबसे पहले क्लास में जब स्टार्टिंग करना होता है तब हमको पहले 1 मिनट 2 मिनट वज्रासन में बैठ, जिसको हम सीजा बोलते हैं, बैठ के सिर्फ 1 या 2 मिनट बॉडी को एकदम नॉर्मल रिलैक्स, सभी कोई प्रकार का टेंशन नहीं, कोई सोच नहीं, एकदम रिलैक्स, पूरा ध्यान कराटे क्लास में है तो फिर कराटे क्लास में मतलब कि ध्यान एक जगह हो, इसके लिए हमको वज्रासन में बैठ के पहले शुरू करना होता है। तो मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ, आपको फिर बाद में स्टांस के बारे में बताऊंगा, 9 स्टेप स्टांस के और पंच, इतना मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो पोजीशन में खड़े रहते हैं वो पोजीशन में खड़े रहना होता है, दोनों
सीधे करना है। सबसे पहले बिना जमीन को फ्लोर को टच किए सबसे पहले लेफ्ट लेग को टर्न करेंगे, राइट लेग को नी टच करेंगे, फिर लेफ्ट बॉडी स्ट्रेट, उसके बाद पीछे से दोनों स्नैप को सीधा करना, उसके ऊपर बॉडी का वेट डालना। अब मैं स्थानों से फिर से बता रहा हूं, यह खड़े सबसे पहले लेफ्ट लेग को बाहर की तरफ निकालो, राइट लेग को बैंड किया आगे, लेफ्ट लेग को आपके सामने लाया, पीछे से पंजे को सीधा किया, दोनों हाथ नी के ऊपर स्ट्रेट, बॉडी पूरा बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए। और ये जैसे हम स्टार्टिंग में बैठते हैं, आंखें बंद कर देना एक मिनट या दो मिनट। उसके बाद जिस पोजीशन में हम बैठे थे उसी पोजीशन में खड़ा होना, सबसे पहले बॉडी को अप करना है, उसके बाद लेफ्ट लेग को साइड में करना, उसके बाद राइट लेग को लेने के साथ खड़ा होना। अब हम स्टार्ट जैसे वज्रासन करके खड़े हुए हैं, उसके बाद दोनों लेग जॉइंट करना है, दोनों हाथ को भी बिल्कुल सीधा, बॉडी स्ट्रेट लेग्स राइट। और हम जैसे क्लास में या मास्टर को मास्टर स्टूडेंट जैसे हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, उसी तरह से कराटे क्लास में उस जैसे हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, यानी रिस्पेक्ट एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, उसी तरह से गुड मॉर्निंग जिस तरह से बोलते हैं वैसे ही होता है उस। कोई कोई और जो स्टाइल है उसमें हाई बोलते हैं, अलग अलग तरीका होता है जैसे लैंग्वेज का होता है। बाकी कराटे में अधिकतर होता है उस, कुंग फू में जिस तरह से होता है अलग अलग तरीका होता है, उसी तरह से स्टार्टिंग हम जैसे नॉर्मल जैसे सीधे खड़े रहते हैं वैसे खड़े रहे। अब स्टार्ट करते हैं तो दोनों पहले लेफ्ट लेग फिर राइट लेग वी शेप में रखना है, पैर को वी शेप में रखना है और बॉडी को कमर से थोड़ा सा झुका के पोज, उसके बाद वापस लेफ्ट और राइट। अब यहां से अभी मैं बेसिक स्टांस के बारे में बताऊंगा, जो नौ स्टांस है, नाइन स्टांस। अभी स्टांस ये है, इसको कराटे में दाची बोलते हैं, जो कराटे की लैंग्वेज होती है मतलब उसमें दाची बोलते हैं, दाची मीन्स स्टांस। तो मैं नाइन स्टांस बताऊंगा। सबसे पहला होता है, अभी सबसे पहले मैं नाम के साथ बताऊंगा और फिर बाद में नंबर के साथ बताऊंगा, या पहले मैं नंबर से बता देता हूँ फिर नाम से बताता हूँ। सबसे पहला नंबर वन, अभी नाम से बताऊंगा, वन जिसमें दोनों लेग जॉइंट, हाथ को कमर के ऊपर रखना है, नंबर वन। अभी नॉर्मल रख सकते हैं, पंच भी रख सकते हैं, हम नॉर्मल ही करेंगे, नंबर वन। नंबर टू में अपने पैर के पंजे को वी शेप में थोड़ा सा बाहर खोलना, नंबर टू। नंबर थ्री में हील को बाहर निकालना है, एड़ी को बाहर निकाल के और बिल्कुल सीधा कर देना है, नंबर।